दोस्तों धारावी ये एक एरिया है जो महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई में सिचुएटेड है। ये एरिया लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का होगा जिसमें कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो वहाँ पे सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 2,70,000 लोग रहते हैं और यही पॉपुलेशन डेंसिटी इस एरिया को इस दुनिया का सबसे डेंस एरिया बनाती है। और ये भी कोई ओरिजिनल आंकड़े नहीं है, इस एरिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग है क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग हर दिन इंडिया से आते रहते हैं। दोस्तों आप इमेजिन नहीं करोगे, इस छोटे से एरिया में लगभग 5,000 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेसेस चलाए जाते हैं और 15,000 से ज़्यादा सिंगल रूम फैक्ट्रीज चलाई जाती है। सिर्फ इस एरिया का एक साल का टर्नओवर लगभग $1 बिलियन है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब सबको पता होगा मुंबई को इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है और इस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा धारावी का है। दोस्तों जिस तरह से धारावी अपने बिजनेसेस के लिए पहचानी जाती है, उसी तरह कई तरह के डिसीजेस, एपिडेमिक्स, पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी पहचानी जाती है। जो एरिया पहले मुंबई का डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, आज उसी एरिया में लोग पत्थरों के घरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने जा रहे हैं। लेकिन अभी इस पूरे एरिया को रिडेवलप करने के लिए अडानी ग्रुप ने लगभग 5,000 करोड़ की बिड लगाकर धारावी को पूरी तरह बदलने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धारावी जैसे एरिया को रिडेवलप करना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। इनफैक्ट कईयों के अकॉर्डिंग इस टास्क को वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क कहा गया है। तो आखिर ये रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या? क्या ये रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? इस प्रोजेक्ट का वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा या फिर कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। धारावी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे असं म्हणतात। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैला ये स्लम मुंबई के वित्तीय केंद्र से चंद मिनटों की दूरी पर है। अडानी समूह ने धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया है। मुंबई का धारावी एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक है। सर खुश तो है लेकिन बातें तो बहुत बार होती, लेकिन होता कहां है सर? हम लोग भी चाहते कि झोपड़े से मुक्ति मिले हम लोग को, हमारे भी बच्चे लोग को ठीक है, लेकिन सर ये खाली बोलते बोलते हो रहा है लेकिन होता नहीं है, फिर खत्म हो जाता। दोस्तों आज से लगभग 200 साल पहले वहाँ पे सिर्फ मैनग्रीव स्वैम्प फॉरेस्ट हुआ करता था। वहाँ पे सिर्फ कुछ मछुआरे आया करते थे। लेट 19th सेंचुरी में वहाँ पे कोली फिशरमैन आके रहने लगे, तब से धारावी को कोलीवाड़ा कहा जाता था। अब 1850 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के अंडर कई दशकों से मुंबई अर्बन सिटी की डेवलपमेंट होती जा रही थी। मुंबई के फेमस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का भी कंस्ट्रक्शन 1878 में ही शुरू हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशों को अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए मुंबई में एक फ्लॉलेस नेटवर्क चाहिए था। अब जैसे जैसे लोगों को मुंबई में अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, रोजगार दिखने लगा, वैसे वैसे पूरे भारत से लोग वहाँ आकर बसने लगे। सबसे पहले लीदर इंडस्ट्रीज वहाँ पे आई, गुजरात की कुंभार कम्युनिटी, उत्तर प्रदेश के एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स, ऐसे पूरे देश से वहाँ पे लोग आने लगे। अब इन सबके लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1895 को लगभग 99 सालों के लिए कुछ जमीन लीज पे दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने धारावी में प्रॉपर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, इसीलिए धारावी आज भी अनऑर्गेनाइज तरीके से बसी हुई है। वहाँ पे सैनिटेशन, ड्रेन्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और रोड्स जैसी बेसिक सर्विसेज भी नहीं है। ब्रिटिश राज खत्म होने तक धारावी ये एक बहुत बड़ा स्लम बन चुका था, लेकिन वहाँ पे कई जगह खाली थी जिसे वेस्ट डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ने लगा, वैसे वैसे लोग उस कचरे पर भी झोपड़ियाँ बांधकर रहने लगे और धारावी ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का हब बन गया। अभी धारावी पोटरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा बहुत बड़ी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी है, जो मुंबई के बाकी एरिया का वेस्ट रिसाइकल करती है। धारावी के लगभग 2.5 लाख लोग इसी रिसाइकलिंग इनफॉर्मल इंडस्ट्री में काम करते हैं। आज धारावी में छोटे मोटे लगभग 5,000 बिजनेसेस बसे हुए हैं और 15,000 से ज़्यादा सिंगल रूम फैक्ट्रीज चलती हैं। दोस्तों आप इमेजिन नहीं करोगे, धारावी से ऑल ओवर वर्ल्ड गुड एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें लेदर प्रोडक्ट, ज्वेलरी, वेरियस एक्सेसरीज और टेक्सटाइल्स भी शामिल है। आपको US, यूरोप और मिडल ईस्ट के कई जगह धारावी के सामान मिल जाएंगे। और धारावी एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ पे बकायदा फॉरेन टूरिस्ट के लिए टूर गाइड भी मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। नमस्ते गाइस, सो वी आर हियर इन बॉम्बे एंड टुडे वी आर गोइंग टू विजिट one of the largest slums here in Asia, which is called Darawa.
and it's also where the film Slumdog Millionaire was filmed. यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो धारावी ये मुंबई का एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी प्रोवाइड करता है जो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो लाखों लोगों की डेली लाइफ अफेक्ट हो सकती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अगर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को अगर हम कंसिडर करें तो वो हर इंसान के लिए बेसिक नेसेसिटी है और वो हर इंसान को मिले ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि आपको मुंबई में स्वर्ग और नर्क एक साथ देखने मिलेंगे। इसमें से नर्क धारावी को कहा जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो धारावी की क्या कंडीशन होगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कभी हाथ में ही नहीं लिया गया। जिस तरह से हांगकांग के ताईहैंग स्लैम एरिया को डेवलप किया गया, उसी तरह से हम धारावी को डेवलप करना चाहते थे। धारावी को रीडेवलप करने के लिए पूरी दुनिया से कई कंपनियों ने बिड्स लगाई थी। लेमन ब्रदर्स, दुबई लिमिटलेस, सिंगापुर कैपिटल एंड लिमिटेड जैसी कई कंपनियां आगे आई थी, लेकिन रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद फरवरी 2004 में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया गया था, लेकिन तब भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अब दोस्तों अडानी ने इस प्रोजेक्ट को रीडेवलप करने का काम हाथ में लिया है, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी सारी फैक्ट्रीज को, इतने बड़े बिजनेसेस को किस तरह एक प्रॉपर स्पेस अलॉट किया जाए। और जाहिर से बात है उसमें खुद का प्रॉफिट निकालने के लिए उन्हें कमर्शियली भी जगह सेल करनी होगी। इस प्रोजेक्ट का पूरे रीडेवलपमेंट का खर्चा लगभग 20,000 करोड़ है। इसमें जो भी साल 2000 के पहले वहाँ पे बसे एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स है उन्हें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ फ्री हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों धारावी के लोगों का अगर हम ओपिनियन देखें तो ज़्यादातर लोग इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अपोज में है। वो धारावी में किसी भी तरह का रीडेवलपमेंट चाहते ही नहीं। कईयों को ये चिंता लगी हुई है कि जिस तरह से धारावी में इनफॉर्मल सेक्टर और कई तरह के लोकल बिजनेसेस फैले हुए हैं वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। और ये बात भी सच है कि धारावी ये लाखों लोगों के जिंदगियों को संभालता है जो डेवलपमेंट के बाद पूरी तरह बिखर जाएंगी। धारावी में रह रहे हैं। मैं पैदल से इधर ही हूँ। मेरा माँ बाप, मेरा सास ससुर, उसका पर ससुर सब इधर ही है। कारोबार करते हैं धारावी में? धारावी में मेरा आदमी सुतर काम करता था, मेरा ससुर था वो लुहारी काम करता था। हम लोग का 25 रुपये रोज में चल रहा था, तभी का बात तो 20 रुपये में चलता था। अभी तो जैसा महंगा ही ऐसा चलता है। अभी रीडेवलपमेंट होगा, 300 स्क्वायर फीट का घर मिलने वाला है, क्या कहना है? मेरे को तो 300 स्क्वायर फुट पे मेरा होगा ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं आएगा उसमें। मेरा छह परिवार है मेरा। मेरा दो भाई है उसका, हमारा 4 लड़का है उसमें नहीं होगा। दोस्तों धारावी में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। वहाँ के 60% लोगों के अकॉर्डिंग उनकी लाइफस्टाइल मुंबई के एवरेज लाइफस्टाइल से बेहतर है और 50% लोगों के अकॉर्डिंग उनकी ज़िंदगी वहाँ जाकर पिछले 5 सालों में पूरी तरह बदल गई है। इसलिए कई लोग धारावी का रीडेवलपमेंट नहीं चाहते। लेकिन ये बात भी सच है कि इंडिया जैसी कंट्री में धारावी जैसा दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मौजूद होना ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। वैसे इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन अगले 7 सालों में पूरा होना एस्टिमेटेड है। वैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस तरह से लाइफ चेंजिंग साबित होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।